सूजी का हलवा तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन आपने इस तरह से कभी नहीं बनाया होगा, क्योंकि इस सूजी के हलवे में हमने घी का यूज़ नहीं किया है। चलो फिर देखते हैं कि हमने इस सूजी के हलवे को कैसे बनाया है। आज मैं आपके साथ सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन हम इसमें घी नहीं डालेंगे, हम बिना घी वाले सूजी का हलवा बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है। अब हम हाफ कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा सूजी लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। आपने नोटिस किया है, जब हम नॉर्मल सूजी का हलवा बनाते हैं तो सबसे पहले हम घी डालते हैं, लेकिन इसमें हमने घी का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट सूजी को कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसको भूनेंगे। हमको इसको 2-3 मिनट तक भूनना है, जब तक इसमें हल्की सी खुशबू ना आ जाए। तो ये आप देख सकते हो, ये मैं भून रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमारा स्लो होना चाहिए। इस सारे प्रोसेस को हमको स्लो फ्लेम में ही करना है, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी जल जाती है। हमको सूजी को रोस्ट किए हुए 2 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। यह हमने 1 कटोरी मलाई ली है। जो हमने मलाई ली है ये फ्रेश है, आपको भी फ्रेश मलाई का ही यूज़ करना है। तो ये हमने सूजी में ऐड कर दिया है। अब हम मलाई को सूजी के साथ मिक्स करेंगे। हमको इसे लगातार चलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई के तलवे में चिपकने का डर रहता है। अगर आपके पास नॉनस्टिक कढ़ाई है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें नहीं लगता है। हमको इसको भूनते हुए 2-3 मिनट्स हो गए हैं। देखो कितना अच्छा कलर आया है। हमने इसमें मलाई ऐड की है, लेकिन लग नहीं रहा है कि हमने इसमें मलाई ऐड की है, ऐसे लगता है कि हमने इसमें घी डाला है। हमको इसको तब तक भूनना है जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर ना जाए। तो ये आप देख सकते हो, ये मैं लगातार चला रही हूँ। हमने इसमें मलाई ऐड की है, जैसे जैसे हम इसको भूनते रहेंगे तो मलाई घी में चेंज हो जाएगी और इसका जो टेक्सचर होता है बहुत अच्छा आता है। इसको भूनने में थोड़ा सा समय लगता है, आप इसको जितना अच्छे से भूनोगे इसका स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। आपको इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। आप देख सकते हो सूजी भून गई है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो ये हमने 1 बॉल चीनी ली है, इसको हमने ऐड कर दिया है। अब हमको इसको मिक्स करना है। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम इसमें 3 बॉल पानी डालेंगे। हमने सूजी 1/2 बॉल से थोड़ा सा ज़्यादा ली थी और पानी हम 3 बॉल डालेंगे। आप भी अगर इसी मेजरमेंट से बनाओगे तो आपका सूजी का हलवा भी परफेक्ट बनेगा। अब हमको गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है और इसको लगातार चलाते रहना है। जैसे जैसे आप चलाते रहोगे हमारा हलवा थिक होता रहेगा। तो यह आप देख सकते हो, ये पहले से कितना थिक हो गया है। अब हम इसमें इलायची कूटकर डालेंगे और साथ में आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने इलायची डाल दिया है। अब हमको इसको थोड़ा देर और चलाते रहना है, जब तक पूरा हलवा कढ़ाई से ना छूट जाए। देखो कढ़ाई से हलवा छूट गया है, इसका मतलब हमारा हलवा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। यह हलवा खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। हमने इसमें घी का यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। हमने इसमें मलाई का यूज़ किया है। इसको बनने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इसका स्वाद गजब का है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। आपको अगर मेरे मलाई हलवे की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।